So this is here, we have the first poem. And we have only two stanzas here, under the greenwood tree. So the lines are, under the greenwood tree, who loves to lie with me, and turn his merry note unto the sweet bird's throat. Come hither, come hither, come hither, here shall he see no enemy but winter and rough weather. Who doth ambition shun and loves to live in the sun, seeking the food he eats and pleased with what he gets. Come hither, come hither, come hither, here shall he see no enemy but winter and rough weather. So this is the first poem here we have. Okay, this is, you know, your book. It's very easy, very simple, and a very interesting book poem. So first of all, I'm going to tell you about introduction. Various things, a lot of things about this poem. Under the greenwood tree, under matlab niche, greenwood. So green matlab to sarsabz, aur wood ke matlab hota hai jungle. So ye ho jayega sarsabz jungle. Tree darakht, sarsabz jungle ka ek darakht, greenwood tree. Under matlab uske niche. हरे भरे जंगल के दरख्त के नीचे या सरसब्ज जंगल के दरख्त के नीचे, दैट इज द नेम ऑफ द टाइटल. एंड इट इज एक्चुअली अ सॉन्ग, इट इज अ सॉन्ग, एक गीत, एक नगमा, फ्रॉम एज यू लाइक इट. एज यू लाइक इट से लिया गया एक सॉन्ग है जो लिखा है विलियम शेक्सपियर ने. तो सबसे पहले विलियम शेक्सपियर पर थोड़ी सी बात बताता हूँ जो एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दैट इज विलियम शेक्सपियर एंड ही इज द, आगे मैं लिख देता हूँ उनकी शान में, द ग्रेटेस्ट playwright and poet of English language. सिर्फ सुनना है, सवाल कोई ना करे. The greatest playwright of English language and poet. अंग्रेजी जबान में बे इंतहा बहुत सारे शायर गुजरे हैं, अंग्रेजी जबान में बहुत सारे प्ले राइटर गुजरे हैं. उनमें जो सबसे टॉप पर है, मतलब बिला मुकाबला, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट, जो सबसे टॉप पर है, दैट इज विलियम शेक्सपियर. नाम बड़ा सुना है, पहली बार जिंदगी में पढ़ रहे हैं. शेक्सपियर का नाम तो बचपन से सुनते आए थे, भाई शेक्सपियर कोई था बंदा, इंग्लिश में बड़ा कुछ कमाल किया था उसने. वो बंदा ये है जिसको आज पढ़ रहे हैं, कोर्स में पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर, 9th-10th में की कोई भी शायरी नहीं थी. ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट एंड पोएट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, और विलियम शेक्सपियर के बारे में और बात कहूँ तो सबसे पहले इनका एरा, एरा कौन था इनका, था एलिजाबेथन. तो ही बिलोंग टू एलिजाबेथन एरा, क्वीन एलिजाबेथ के दौर का. क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट की बात कर रहा हूँ. दो क्वीन एलिजाबेथ है अमेरिकन की तारीख में, सॉरी ब्रिटिश हिस्ट्री के अंदर. एक है क्वीन एलिजाबेथ द वन और एक है क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड. विलियम शेक्सपियर के दौर में भी, जो सन 1600 से 1700 के दौर है, उस दौर में भी इंग्लैंड की जो मलका थी, खातून थी, क्वीन एलिजाबेथ नाम था उनका. और आज भी इंग्लैंड की जो मलका है उनका नाम क्वीन एलिजाबेथ है, लेकिन वो क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड है. ठीक है, तो दो एलिजाबेथ गुजरी है. तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर वो आप तो कैसे जिंदा है शेक्सपियर के दौर से लेकर अब तक, तो वो वन थी और ये टू है. ठीक है ना, अलग अलग हैं वो दोनों पर्सनैलिटीज. इसलिए जब भी क्वीन एलिजाबेथ लिखा होता है ना तो दो एम लिखा होता है उसके आगे, द सेकंड लिखा होता है. तो बहुत पुरानी, उनकी एज भी 110 साल क्रॉस ही है. और द लॉन्गेस्ट रनिंग मोनार्च भी दुनिया में उनका रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा लंबे अरसे तक जिन्होंने हुक्मरानी की है वो क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड है. बहुत बुढ़ी सी है, वर्ल्ड कप भी जब शुरू हुआ था तो आई थी वर्ल्ड कप स्टार्ट करने के लिए. ठीक है, वो मलका है बरतानिया की, मलका जिनको हम कहते हैं. ठीक है, उनसे पहले क्वीन विक्टोरिया वगैरह थी, जो कि पढ़ा होगा उनके बारे में पीएचडी में. अच्छा, तो ग्रेटेस्ट प्ले राइट थे एलिजाबेथ एन एरा के. अब एलिजाबेथ एन एरा के हैं तो क्या चीज़ करेंगे भाई, सटायर. सटायर मतलब तंस करेंगे, मजाक उड़ाएंगे किसी का, हमारा है किसी का ये मजाक उड़ाएंगे अपनी शायरी में. ठीक है, तो ये मजाक वाली शायरी करते हैं, तंस वाली शायरी करते हैं. ठीक है, ज़्यादातर एलिजाबेथ एन एरा के शायर. अच्छा, विलियम शेक्सपियर पैदा कहाँ हुए थे, उनकी पैदाइश के लिए याद रखो कि इंग्लैंड में तो पैदा हुए हैं, इंग्लैंड में स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन, ये वो गांव था स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन जहां पर ये पैदा हुए हैं विलियम शेक्सपियर. ठीक है, विलियम शेक्सपियर ने के बारे में कहा जाता है कि वैसे तो ये बचपन में से इतने ज़्यादा पढ़ने लिखने के शौकीन नहीं थे. इन्होंने इंटरमीडिएट के बाद जब बीए का इम्तहान दिया, आप बीए का इम्तहान दिया तो पहली बार जब बीए का उन्होंने इम्तहान दिया तो वो फेल हो गए. तो दूसरी बार उन्होंने बीए का इम्तहान दिया, दूसरी बार भी फेल हो गए. फिर तीसरी बार जो बीए का इम्तहान देना था तो उनकी मदर ने उनसे कहा कि भाई अब थर्ड टाइम अगर तुम पेपर में फेल हो जाओगे तो फिर हम तुम्हें जो है वो बीए का इम्तहान देने नहीं देंगे. इसका मतलब ये हो गया कि थर्ड टाइम जब तुम इम्तहान में अगर फेल हो जाओगे तो फिर हम तुम्हें जो किसान, उसकी फार्मर वाली जो प्रोफेशन थी उसके फादर के, हम तुम्हें उसमें लगा देंगे. और थर्ड टाइम उसने बीए का इम्तहान दिया इंग्लिश में, बीए इंग्लिश का इम्तहान दिया और थर्ड टाइम भी फेल हो गया विलियम शेक्सपियर. ठीक है, तो उसको पढ़ाई मतलब हटा दी गई उसकी. बीए उसने ज़िंदगी में कभी किया ही नहीं, लेकिन उसको एक शौक था नॉवेल्स को लिखने का, ये कहानियाँ लिखने का, किस्से लिखने का, और वो करता गया. यहाँ तक कि उसने बड़े बड़े मशहूर जो है वो नॉवेल्स लिखे. ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर के जो फेमस नॉवेल्स बहुत सारे हैं उनमें से जो
क्वाइट फेमस या जो मोर फेमस नॉवेल्स उनके होते हैं, दैट इज रोमियो एंड जूलियट, दैट इज अ फेमस लव स्टोरी बाय विलियम शेक्सपियर, ठीक है। रोमियो एंड जूलियट के अलावा ओथेलो, अच्छा रोमियो एंड जूलियट के अलावा ओथेलो जो है वो दैट इज ऑल्सो रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, जिसके नाम पर बॉलीवुड मूवी ओमकारा उस पेशी पर बनाई गई है ओथेलो पर। इस तरह से एक है हॉरर स्टोरी है मैकबेथ, उनकी ये भी बड़ी फेमस है। इस पर भी इंडियन मूवीज़ जो है वो नॉर्मली बनी है, मतलब नॉर्मल अलग अलग तरह से मूवीज़ वगैरह इस पर बनी है। इस तरह से मैकबेथ के अलावा बहुत सारी इस तरह एज यू लाइक इट है जो कि अभी हम पढ़ेंगे वो है। इसके अलावा एंथोनी एंड क्लियोपेट्रा ये उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो काफ़ी सारी इन्होंने मतलब मशहूर जो है वो प्लेस इन्होंने लिखे हैं। तो मोस्ट ऑफ द फेमस प्लेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। सो विलियम शेक्सपियर ने लेकिन कभी बीए का इम्तहान दिया नहीं, मतलब बीए इम्तहान दिए भी नहीं, मतलब उनका इंतकाल भी हो गया, वो फात भी पा गए। अब क्या हुआ कि आज के दौर में अगर हम बात करें ना, आज के दौर में पूरी दुनिया में अगर कोई भी इंसान, आप या मैं या दुनिया में कोई भी इंसान अगर एमए करना चाहते हैं इंग्लिश में, बीए के बाद एमए होता है, एमए करना चाहते हैं इंग्लिश में, सो ही हैज़ टू रीड अबाउट विलियम शेक्सपियर। तो उसको विलियम शेक्सपियर को प्ले को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना वो एमए इंग्लिश कर ही नहीं सकता अगर वो विलियम शेक्सपियर के प्लेस को ना पढ़े, पेपर में पास ही नहीं हो सकता। मतलब एक वो बंदा जिसने खुद बीए नहीं किया इंग्लिश में, तो उसको पूरी दुनिया में एमए वाले पढ़ रहे होते हैं जबकि वो खुद भी बीए पास नहीं है। तो दैट इज़, तो इसलिए कहते हैं ना कि बड़े लोग कहते हैं डोंट ट्राई टू अचीव हायर डिग्रीज, ट्राई टू अचीव हायर एजुकेशन, कि इंसान ऊँचे डिग्री हासिल करने के बाद ऊँची तालीम हासिल कर ले, जैसे शेक्सपियर ने कर ली कि उसने काम बड़ा किया है, तो आज डिग्री वाले उसको पढ़ रहे होते हैं बैठ के, ठीक है। वरना बहुत सारे होते हैं डबल एमए होते हैं लेकिन लिखते कुछ भी नहीं है ना, उनको दुनिया जानती है। और एक बंदा ऐसा जो बीए भी नहीं किया उसको पूरी दुनिया जानती है, आज भी द ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइट पोएट्री और द इंग्लिश द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, द ग्रेटेस्ट इंग्लिश प्ले राइट जिनको हम कहते हैं, ठीक है। तो बड़ी उन्होंने मतलब किताबें लिखी हैं, उनमें से एक इनकी थी किताब जिसका नाम था एज यू लाइक इट, जैसा कि तुमने उसे पसंद किया, एज यू लाइक इट एक प्ले है ये, दैट इज अ प्ले। और प्ले से मुराद कैसा प्ले है, म्यूजिकल प्ले है। बरा सुनना है क्वेश्चन बाद में, सिर्फ सुनना है मेरी बातों को, हजारों बात बताऊंगा आपको आज। म्यूजिकल प्ले, ठीक है। म्यूजिकल प्ले की बात करो तो म्यूजिकल प्ले कैसे कहते हैं, बॉलीवुड की मूवीज की तरह होता है ये प्ले। अच्छा, आज जो हॉलीवुड की मूवीज होती हैं वो म्यूजिकल नहीं होती हैं, उसमें ज़्यादातर उसमें मतलब बॉलीवुड मूवी और हॉलीवुड में एक खास फर्क ये होता है, हॉलीवुड मूवी में सॉन्ग्स नहीं होता है, वो स्टोरी चलती रहती है पूरी। वो फास्ट एंड फ्यूरियस कोई भी आप मूवी देख लोगे उसमें तो वो पूरी स्टोरी ही चल रही है, बीच में सॉन्ग नहीं लाते बिलावाजा में, वो है ना कि भाई भाई के भाई जो है वो विलन जो है वो हीरो के पीछे भाग रहे भाग रहे भाग रहा है, तो विलन जो है आखिर हीरो जो है फिर आखिरकार एक किसी क्लब में दाखिल हो गया तो सॉन्ग शुरू हो गया वहाँ पर, अब पूरा सॉन्ग शुरू होगा, उसके बाद जब सॉन्ग खत्म होगा फिर वो पकड़ेगा जाके उसको हीरो, बिला वजह में एक सॉन्ग चला ना, वो क्लब में गया क्योंकि और भाग जाता, लेकिन सॉन्ग डालना था ना बीच में एक ना एक, तो ऐसा ही होता है इंडियन फिल्मों में तो सारे नॉर्मली, लेकिन हॉलीवुड में ऐसा इतना फालतू के काम वो लोग नहीं करते, ठीक है। वो उतना मतलब वो नहीं उसमें, बस वो पूरी स्टोरी ही चलाते हैं स्टार्ट टू एंड तक, ठीक है। वो इसलिए, लेकिन जो हमारे बॉलीवुड के प्लेज होते हैं वो म्यूजिकल प्लेज होते हैं। पुराने ज़माने में प्ले इंग्लिश में भी लिखे जाते हैं म्यूजिकल प्लेज, ठीक है। तो म्यूजिकल प्लेज जो हैं उनमें से एक म्यूजिकल प्ले एज यू लाइक इट, अब इसमें चलेगा स्टार्ट से मतलब स्टोरी चलती रहेगी, बीच में एक सॉन्ग आ जाएगा, फिर स्टोरी चलेगी, फिर एक सॉन्ग आ जाएगा, इस तरह से चलता है। तो ये जो अंडर द ग्रीनवुड ट्री है ये इस प्ले से लिया गया एक सॉन्ग है, इसलिए लिखा हुआ है आपकी बुक में अ सॉन्ग फ्रॉम एज यू लाइक इट, कि एक नज़म है जो एक गाना है, गीत है जो कि एज यू लाइक इट प्ले से लिया गया है। और ये आ रहा कहाँ पर है, एक्ट नंबर टू सीन नंबर फाइव। अब ये एक्ट टू सीन फाइव क्या चीज़ है जहाँ से ये लिया गया है, बच्चों याद रखो कि ये प्ले है, थिएटर प्ले होते हैं। आजकल तो मूवीज़ बनती है ना बच्चों, मूवीज़ बनती हैं तो बहुत सारे उसमें एक्ट्स होते हैं, वो आपने देखा वो बड़ा सा मतलब इस तरह का होता है बना हुआ, लाइक इस टाइप का एक होता है, यूं 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 करके होता है, उसमें एक्ट लिखा होता है और सीन लिखा होता है, तो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर होता है ना, यूं करके वो कहते हैं एक्ट टू सीन फाइव एक्शन, टेक टू टेक थ्री, मतलब सीन के अंदर भी टेक्स होते हैं, टेक वन टेक टू, एक्ट टू सीन फाइव टेक वन एक्शन, फिर चलता है, फिर कट, फिर एक्शन, फिर कट। ये मूवीज हम जो मूवी देखते हैं तो ये सब नहीं आ रहा होता है, वो चुके हो चुके होते हैं पहले ये सब कुछ कंप्लीट। तो बिल्कुल पहले ज़माने में थिएटर्स हुआ करते थे ना, मूवी थिएटर्स, तो वहाँ पे इस तरह से एक्ट्स और सीन के लिहाज से पूरा चलता था, क्योंकि वहाँ तो आप रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते हैं, सब लोग लाइव बैठे हुए होते हैं सामने, ठीक है। तो आफ्टर अजान में आपको बताता हूँ ये एक्ट टू सीन फोर क्या चीज़। तो एक्ट और सीन बता दे रहा हूँ फिर से दोबारा कि एक्ट क्या है। एक दिन में देखो एक एक्ट होता है, अब एक प्ले किस डिफरेंट एक्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं, चार पाँच छः एक्ट पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है।
एक एक्ट एक दिन में होता है, एक एक्ट के अंदर डिफरेंट सीन होते हैं, एक सीन शहर में हो रहा है तो एक सीन आपके गांव में हो रहा है, एक सीन जंगल में हो रहा है। तो पहले क्या होता है, एक्ट वन शुरू हुआ एक दिन का, पहले सीन नंबर वन शुरू हुआ उस दिन, जैसे जंगल का सीन है, वो सीन खत्म हो गया तो पर्दा लग गिर जाता है, फिर 5 मिनट बाद नया सीन खुलता है तो शहर बन चुका होता है, फिर वो फिर पर्दा गिर जाता है। पुराने ज़माने में ऐसा होता था, थिएटर जिसको हम बोलते हैं, स्टेज शोज़ वगैरह इस तरह के। तो ये एक्ट टू सीन नंबर 5 का मतलब ये है कि अगर आप थिएटर में बैठोगे जाकर तो दूसरे दिन के चौथे सीन में ये सॉन्ग आएगा, इसका मतलब एक्ट टू सीन 4 इस तरह से। जब बुक भी पढ़ोगे ना एज़ यू लाइक इट की, क्योंकि हम लोग इस बुक को पढ़ते नहीं है, हमें पूरा एज़ यू लाइक इट नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ उसकी एक नज़म पढ़नी है जो थोड़ी सी जो मैंने बोर्ड पर लिख दी है यही पढ़ना है, वरना ये कंप्लीट 200 पेज की पूरी एक प्ले है जिसके अंदर काफ़ी एक्ट्स हैं और प्लेस सीन बहुत सारे हैं। तो मैंने वंस आई टॉट द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ बिगनर्स स्कूल सिस्टम इन ओरिंगटन एज वेल, कि एक ट्यूशन मैंने दिया था क्लास 6 के बच्चों को, पुरानी बात है 6 साल पुरानी, तो वो तो उनके कोर्स में जो है वो पूरा एज यू लाइक इट प्ले मौजूद था, पूरे 200 पेजेस का प्ले, वो 6 का बच्चा पढ़ लेता है कैम्ब्रिज वाला, और हम फर्स्ट टाइम में आके भी इतनी सी पढ़ रहे होते हैं, वो भी नहीं समझ में आ रहा होता बच्चों को लिखा हुआ क्या, ठीक है, क्योंकि हमारी और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगी कैमरे वालों से अच्छी, लेकिन इंग्लिश कभी भी अच्छी नहीं हो सकती हमारे उनसे, ये तो फैक्ट है, इस पर तो कोई भी इंकार नहीं कर सकता। वो तो फेल भी हो जाते हैं उनके बच्चे, तो फिर वो अपने पेरेंट्स को जाके बोलते हैं फादर आई एम सॉरी आई फेल्ड एग्जाम्स, फेल होने में बच्चा भी इंग्लिश में बताता है मैं फेल हो गया, इतनी इंग्लिश उनकी होती है, मतलब जो नहीं भी पढ़ने वाला लोफर बच्चा भी होता है वो इंग्लिश ही बोल रहा होता है बैठ के, दोस्तों में बैठा हुआ है क्लास बनकर इंग्लिश में बात कर रहा है, इंग्लिश उनकी कॉमन है मतलब वो सीख जाते हैं, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में शायद आप ज़्यादा अच्छे होते हैं उनसे, ठीक है। तो उसका माहौल बना होता है ना उनके इंग्लिश के, इसलिए वो सीख जाता है, हमारे माहौल नहीं मिलता है तो इस वजह से हम सीख नहीं पाते। एक्ट टू सीन 5, ठीक है। अब इसमें पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं एज़ यू लाइक इट की स्टोरी क्या है, ताकि तुम लोगों को पढ़ने में थोड़ा अच्छा भी लगे। एज़ यू लाइक इट की स्टोरी दो भाइयों की है, दो भाई थे, एक भाई था ड्यूक सीनियर, एक भाई का नाम था ड्यूक सीनियर, और ड्यूक सीनियर था किंग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का बादशाह था ये किसी ज़माने में। इसका एक भाई था, उसका नाम था फर्डिनेंड, फर्डिनेंड इसका स्टेप ब्रदर था, स्टेप ब्रदर ऑफ ड्यूक, ड्यूक सीनियर का स्टेप ब्रदर था ये, मतलब सौतेला भाई था ये, और दोनों दूसरे से बड़े जेलस थे। फर्डिनेंड ज़्यादा जेलस था अपने भाई ड्यूक सीनियर से, फर्डिनेंड हमेशा चाहता था कि मैं अपने भाई को हटाकर खुद जो है वो बादशाह बन जाऊँ, और उसने ऐसा किया कि उसने जो है धोखा के जरिए और चीटिंग के थ्रू अपने भाई को ड्यूक सीनियर को क्या किया कि उसने बादशाह से हटा दिया इंग्लैंड की, और ख़ुद बादशाह बन के बैठ गया, और ड्यूक सीनियर को फिकवा दिया अपने उसके दोस्तों के साथ, जो मिनिस्टर्स वगैरह उसके दोस्त थे चाहने वाले, उन सब के साथ एक जंगल में जिला वतन कर दिया, एग्जाइल की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। एक जंगल था फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, इंग्लैंड के अंदर भी आर्डन का जंगल, उसके अंदर उसको लाइफ ऑफ एग्जाइल कहते हैं, जिला वतनी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया, वतन से निकाल मतलब अपने शहर से उसको निकाल कर एक जंगल में फेंक दिया गया, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ रहता था। अब ड्यूक सीनियर की एक बेटी थी, उसका नाम था रोजालिन उसकी बेटी का नाम था। तो फर्डिनेंड ने किया क्या था कि उसके बेटी को उसने कैद करवा दिया था, जेल में डाल दिया था ड्यूक सीनियर ने, मतलब ड्यूक सीनियर के भाई फर्डिनेंड ने ड्यूक सीनियर की बेटी को, वो सब उसकी भतीजी होगी एक तरह से, उसको उसने कैद में डाल दिया था, ठीक है। तो अब बात, और एक ही बेटी थी सिर्फ ड्यूक सीनियर की, तो वो जंगल में था अपने दोस्तों के साथ, कुछ दिन उसने गुजारे, उसके बाद उसको अपनी बेटी की याद आने शुरू हो गए जो जेल में कैद थी शहर के अंदर, और उसको अपने शहर की याद आने शुरू हो गए। लेकिन लोगों को पता था कि अगर बादशाह भी शहर चले गए तो उसके जान जो है खतरे में पड़ सकती है, उनको मारा जा सकता है, कत्ल किया जा सकता है उनको। तो अब वो लोग चाहते थे कि बादशाह को जो है वो शहर ना जाने दें बल्कि जंगल में ही रखें, तो वो किसी तरह से बादशाह को कन्विंस करना चाहते थे कि लिविंग इन अ जंगल इज़ बेटर देन लिविंग इन अ सिटी, कि शहर में रहने से बहुत बेहतर है कि इंसान जंगल में रहे। और यही एक सॉन्ग है, तो ये जो सॉन्ग है ना, तो इसका जो सिंगर है जो गा रहा है, गाने वाला शख्स दोस्त है ड्यूक सीनियर का, उसका नाम है लॉर्ड अमीन्स। तो लॉर्ड अमीन्स दोस्त है, ही इज़ द फ्रेंड ऑफ ड्यूक सीनियर। जो अब ड्यूक सीनियर खुद कहाँ है, वो जंगल हरा भरा जंगल ग्रीन वुड ट्री उसके नीचे बैठा हुआ उसके सामने, और उसके सामने मौजूद है एक उसका दोस्त लॉर्ड अमीन, और लॉर्ड अमीन एक गाना गा रहे, गाना गुनगुना रहा अपने दोस्त ड्यूक सीनियर के लिए, ताकि उसको जो है वो शहर की याद जो सता रही है तो वो शहर ना जाए और जंगल में ही रह जाए, और इसी के लिए वो पूरे सॉन्ग है, ठीक है भाषण भाई। तो ये स्टोरी है, मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी बता रहा हूँ, स्टोरी तो बहुत लॉन्ग है, मैं आपको सिर्फ इसके परस्पेक्टिव में बता रहा हूँ कि हुआ क्या यहाँ पर। तो अब आ जाओ आप मीनिंग्स पे आ जाते हैं, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा। अंडर द ग्रीन वुड ट्री, हरे भरे सरसब जंगल के दरख्त के नीचे, हु लव्स टू लाई विथ मी, हु मतलब जो भी लव्स मतलब मोहब्बत करना, यहाँ पर लव्स का मतलब है पसंद करना,
जो भी पसंद करता है, टू लाई, लाई का मतलब वैसे होता है लेटना, यहाँ पर लाई का मतलब है लिव के मायने में आ रहा है, मतलब रहना मेरे साथ, जो भी मेरे साथ रहना पसंद करता है। एंड टर्न इज मेरी नोट, टर्न यहाँ लिखा हुआ है, टर्न यहाँ पर टर्न ट्यून के मायने में आ रहा है, ट्यून के मायने है बजाना या फिर गाना, ठीक है। मैरी एम ए आर डबल आर वाई वाला मैरी होता है शादी करना, और एम ए डबल आर वाई मैरी का मतलब होता है खुशी वाला, है ना, मैरी गो राउंड बोलते हैं ना, खुशी वाला भी मैरी होता है कि आई एम मैरी फुल, मतलब आई एम मैरी, मैं खुशी हूँ, खुश हूँ। नोट के मतलब यहाँ पर होते हैं गीत, नोट हम गीत को भी कहते हैं। अनटू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट, अनटू मतलब यहाँ पर लाइक, लाइक मतलब जैसा, स्वीट बर्ड्स मीठी चिड़िया, ठीक है, मीठी आवाज़ वाली चिड़िया, सुरीली आवाज़ यहाँ पर, तो यहाँ सुरीली चिड़िया है स्वीट बर्ड्स। थ्रोट मतलब होता है गला, कि उसके गले से जो आवाज़ निकलती है चिड़िया के। कम हाइदर, कम हाइदर, कम हाइदर, हाइदर, अच्छा मैं आपसे मीनिंग बता रहा हूँ, मतलब नहीं समझा रहा हूँ, मतलब बाद में। कम हाइदर, कम हाइदर, कम हाइदर, हाइदर मतलब यहाँ पर है ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, चूँकि शायरी जो लिखी गई ना ज़्यादातर, चूँकि सन 1600 से 1700 के दौर के शायर है ना ये, अब इस दौर में इंग्लिश डिफरेंट थी, इस दौर की जो इंग्लिश थी मैंने कल बताया मिडिल इंग्लिश थी, दरमियाने दौर की इंग्लिश थी, तो वो इंग्लिश आज की इंग्लिश से बड़ी डिफरेंट थी, तो वहाँ पर हेयर को हाइदर बोलते थे। कम हाइदर, कम हाइदर, कम हाइदर, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। हेयर शैल ही सी, यहाँ वो देखेगा, नो एनिमी, कोई दुश्मन नहीं, बट लेकिन विंटर एंड रफ वेदर, सर्दी और रफ मतलब ख़राब, सर्दी और ख़राब मौसम। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक दिख रही है आपको, सबको दिखेगी, हेयर शैल ही सी, यहाँ वो देखेगा, ही के साथ शैल नहीं आता, विल आता है, शैल कहाँ आता, आई और वी के साथ आ सकता ना शैल, तो यहाँ पर ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, बट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आर नॉट काउंटेड इन पोइट्री। पोइट्री में याद रखो, पोइट्री का रूल नंबर वन और वो ये कि नो ग्रामेटिकल मिस्टेक आर काउंटेड। नसर के अंदर तो, प्रोज के अंदर तो ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी काउंट होती है, शायरी में आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारे शायरी होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, उलट पुलट बोले जा रहे होते हैं लेकिन गाना बन रहा होता, मतलब वो कोई रियल में आप उसको मुँह से अपने बात करते हुए नहीं बोल सकते हो, लेकिन वो सॉन्ग्स में हो रहा होता है, मतलब आप उसमें इस तरह से कर सकते हैं ना कि लब पे आती है वो दुआ बन के तमन्ना, मेरी जिंदगी शमा की सूरत खुदा है मेरी, वो है लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना, मैं लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तो लब और पे अलग नहीं करते, लब पे मिलाकर पढ़ देते हैं, तो चूँकि मिलाकर पढ़ेंगे तो सुर बनेगा, वरना बनेगा ही नहीं मेलोडी उसकी, तो दैट इज़ के ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इंग्लिश में बहुत जगह पर होती हैं, 9th और 10th इंग्लिश में ही बड़ी जगह पर थी पोइट्री के अंदर, लेकिन तो पोइट्री में काउंट नहीं किया जाता, चूँकि पोइट्री में इंपॉर्टेंट ग्रामर नहीं है, पोइट्री में इंपॉर्टेंट है मेलोडी, सुर, आपकी ग्रामर सही करने के चक्कर में सुर खराब हो जाएगा ना, तो कोई सॉन्ग को सुनेगा ही नहीं, तो ग्रामर भले उल्टी पुल्टी कर दो लेकिन सुर अच्छा बनना चाहिए, म्यूज़िक अच्छी बननी चाहिए, तब सुनने में कानों को भला लगे ना, अल्फाज पर कौन जाते हैं, हम तो म्यूज़िक देखते हैं और सुर देखते हैं क्या लगे, अल्फाज बाद में देखते हैं कि मायने क्या है गाने के, बहुत सारे ना इंग्लिश गाने सुन रहे थे डेस्पासीटो, वो इंग्लिश में नहीं, पता नहीं कौन सा, समझ में नहीं आ रहा बोल रहा क्या है वो, कि आलू ले लो, छोले ले लो, प्याज ले लो, क्या बोल रहा है वो, लेकिन अब मजा आ रहा सुर में, क्यों, क्योंकि उसके बीट है, म्यूज़िक है, मौसीकी है, ये सब हमें तो नहीं ना, मतलब बहुत सारे अरबी सॉन्ग्स होते हैं क्या समझ में आ रहा होता है, तो लेकिन बीट अच्छी होती है, मौसीकी अच्छी होती है, तो पोइट्री के अंदर मौसीकी का अच्छा होना ज़रूरी है, ग्रामर का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसको हम सबसे पहले हम उसके सुर को सुनते हैं, बाद में मीनिंग पर जाते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक गलती है, इतनी देर से यही मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ कि गलती है, बट उसको काउंट नहीं करेंगे, तो बाद में को मुझे सवाल ना करें सर यहाँ क्यों आ गया। हेयर शैली सी उन्होंने, यहाँ वो देखेगा कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ सर्दी और ख़राब मौसम। हु डॉथ एम्बिशन शन, हु मतलब यहाँ पर फिर भाई जो भी, यहाँ पर असल में हु एवर है, यहाँ पर हु एवर, हु एवर मतलब जो भी, डॉथ एम्बिशन शन, अब ये बड़ा मुश्किल होगा सबके लिए इसको ट्रांसलेट करना, डॉथ एम्बिशन शन, डॉथ यहाँ पर जो है ना डू के लिए इस्तेमाल किया गया है, ओल्ड इंग्लिश में डू को डॉथ लिखते थे, ठीक है, डॉथ मतलब हो गया करता है, एम्बिशन मतलब हो गया मकसद, शन का मतलब यहाँ पर है अवॉइड, अवॉइड मतलब नज़रअंदाज करना, शन ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है मतलब नज़रअंदाज करना। एंड लव टू लिव इन द सन, और पसंद करते हैं, लव आई द सन लिखा हुआ है आपकी बुक में, लव आई के ऊपर इस तरह एक वो डाला गया ना, मतलब ले क्या इन्वर्टेड कॉमा टाइप का डाला सिंगल, तो ये लव इन है, ये लव इन द सन, सूरज के नीचे रहना पसंद करता है। सीकिंग द फूड ईट्स, सीकिंग मतलब जुस्तजू करना, फर्स्ट फॉर्म होती है सीख और सेकंड फॉर्म होती है साउट, सीख साउट और आईएनजी फॉर्म होती है सीकिंग, जुस्तजू करना आईएनजी फॉर्म में आया हुआ है, वॉइस ऑफ गॉड मैट्रिक में साउट लिखा हुआ था, आई साउट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, वहाँ पास था, मैंने जुस्तजू की कि मैं खुदा की आवाज़ को सुन, दैट इज द फूड रीड, सीकिंग द फूड रीड, जुस्तजू करता है उस खाने के, ढूंढता है उस खाने को,
जो वो खाता है एंड प्लीज विथ वॉट ही गेट्स, और खुश हो जाता है, प्लीज मतलब यहाँ पर खुश होना है, और खुश हो जाता है जो वॉट मतलब यहाँ पर है जो उसको मिल जाता है, उसको देखकर खुश हो जाता है, उसको मार लेकर यहाँ आओ हेयर शैल ही सी नो एनिमी बट विंटर रनर फैदर, रिपीट हो रहा है, यहाँ वो देखेगा कोई दुश्मन नहीं सवाई सर्दी और ख़राब मौसम, दैट इज़ जस्ट अ मीनिंग। सो मीनिंग समझ में आई वर्ड्स के, अलग अलग वर्ड्स के क्या मतलब है हर वर्ड के, एक एक वर्ड मैंने पाया था, कोई और वर्ड पूछना तो पूछ सकते हो, मसला क्या है, ठीक है। नाउ अब आते हैं इसके मतलब पे, अंडर द ग्रीन, अब लॉर्ड अमीन गा रहा है, सुना रहा है गाकर बादशाह को, हरे भरे सरसब जंगल के दरख्त के नीचे कौन है जो मेरे साथ रहना पसंद करता है और चाहता है कि खुशी वाला नगमा एक गाय वो जो कि एक मीठी चिड़िया गा रही है, मतलब दरख्त के ऊपर एक चिड़िया बैठकर सुरीली अल्फाज में चिरपिंग करिए चहचहा रही है, तो वही कह रहा है कि जो भी चाहते हैं मीठी आवाज़ वाले सुरीली चिड़िया की तरह गाना गाना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो मेरे पास यहाँ पर आ जाए, यहाँ आओ, यहाँ आकर देखो ज़रा, कोई दुश्मन नहीं है यहाँ पर, यहाँ हमारा कोई दुश्मन नहीं है सवाए सर्दी और ख़राब मौसम के, कि जंगल में इंसानों को कोई दुश्मन होता नहीं है, मतलब शहर में तो इंसानों के बड़े दुश्मन होते हैं पॉलिटिकल बेसिस पर, ज़बान के बेसिस पर, रंगो नस्ल के बेसिस पर, और कई वजूहत पर लोग दूसरे को दुश्मन बन जाते हैं, जान ले लेते हैं, लेकिन जंगल में कभी आपने सुना कि भाई छांगा मांगा के जंगलात में जो है वो शेर ने खुद का हमला कर दिया और 50 लोगों को हलाक कर दिया, क्योंकि जंगलात के अंदर कोई सुसाइड बॉम्बिंग इस तरह की कोई सिचुएशन देखी नहीं गई है, वहाँ कोई इंसान इंसान को दुश्मन नहीं, शहर में होते हैं दुश्मन बड़े लोगों के, टारगेट किलिंग होती है, सुसाइड बॉम्बिंग होती है, सब शहर के अंदर ही होती है, लोगों को मारा जाता है, कत्ल किया जाता है, ज़ख्मी किया जाता है, शहर के अंदर किया जाता है, तो यहाँ पर जंगल में लॉर्ड अमीन कहता है बादशाह को कि जंगल में आपका कोई दुश्मन नहीं है, वहाँ जाओगे तो वहाँ तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका भाई है सौतेला भाई फर्डिनेंड, तो वो आपको पकड़ लेगा, तो यहाँ तो कोई दुश्मन नहीं, यहाँ बस दुश्मन क्या है बट विंटर एंड रफ वेदर, दो चीज़ें निपटना है, सर्दी और ख़राब मौसम, कि जंगल में सर्दी ज़्यादा होती है और दूसरी जंगल में जल्दी मौसम ख़राब हो जाता है, बारिश तूफान आंधी वगैरह जंगल में बहुत आती हैं, इससे निपटना पड़ेगा, बाकी कोई इंसान इंसान के दुश्मन जंगल में नहीं है, ये फर्स्ट सेंस समझ में आया क्या थॉट दे रहे हैं, कि हरे भरे सरसब जंगल के दरख्त के नीचे जो भी चाहता है कि मेरे साथ रहे और चाहता है कि एक गीत गाए खुशी वाला, जैसे मीठी चिड़िया गा रही है दरख्त पर बैठकर, उसे चाहिए कि वो यहाँ आए और यहाँ आकर देखो कोई दुश्मन नहीं है इंसान का, सिर्फ सर्दी और ख़राब मौसम ही दुश्मन है, ठीक है आगे आ जाते हैं यहाँ पे। हु डॉथ एम्बिशन शन, जो चाहता है अपने मकसद को नज़रअंदाज कर दे, जो भी अपने मकसद को भुला देना चाहता है, मकसद को भुला देना यहाँ पर इससे क्या मुराद है, देखो जब हम शायरी की बात करते, जब हम कहते हैं ना ज़िंदगी की, तो आप सबके ज़िंदगी में कोई एक मकसद होता है, यू वॉन्ट टू बी, जैसे सारे के सारे बच्चे यहाँ पर के 5 बजे जो है वो धूप में गर्मी में यहाँ पर आकर बैठ गए और क्लास ले रहे हैं, गर्मी अलग लग रही है, परेशान अलग हो रहे हैं, क्यों बैठे हुए हो, क्यों परेशान हो रहे, इतने भी आपके एक मकसद है, यू हैव एन एम्बिशन, क्या भाई कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर उसके अलावा जो भी चीज़ आप बनना चाहते हो, और इसी एम्बिशन की वजह से आप यहाँ पर बैठ कर क्लास ले रहे हो, है ना भाई, एम्बिशन है, शहर में होता है, बिना एम्बिशन के आप जी नहीं पाओगे, रोटी नहीं कमा पाओगे, खाना नहीं खाओगे जब तक आप तालीम हासिल करके जॉब नहीं करोगे, तो आपके एक एम्बिशन है, लेकिन जंगल में आपको किसी एम्बिशन की जरूरत नहीं है, टार्जन बड़े होकर कुछ नहीं बनना चाहता, टार्जन का एम्बिशन नहीं था कोई कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, मोगली जंगल बुक वाला, उसको कुछ नहीं बनना बड़े होकर, आराम से घूम रहा है, फिर रहा है, हंसी खुशी भाग रहा, दौड़ रहा है, देखा ना कार्टून में, तो मोगली का भी स्कूल नहीं जाता, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, उसको परेशान नहीं हो रहा, कोचिंग सेंटर स्कूल नहीं जा रहा, टेंशन भी नहीं, क्यों जंगल में जरूरत ही नहीं, खाना उसको ऐसे मिल जा रहा है भाई, आपको तो खाना है ना, आपको भाई आप लोग जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा खाना खाओगे भाई, दिन में 7 दिन अगर आपको मटन खाना है तो अच्छी जॉब कर लो, 7 के 7 दिन मटन खा लो, बीफ खा लो, कोई मसला नहीं है, तीनों टाइम खाओ, रोजाना जो है वो एक बकरी ज़बह कर दो, बकरा ज़बह कर दो, टेंशन ही नहीं है अगर आप अर्निंग वैसी ही आपकी, तो लेकिन जंगल में आपको ज़रूरत ही नहीं है, जंगल में तो भाई आप चलो मटन तो बहुत दूर की बात है, हिरन का गोश्त, हरन का जो गोश्त होता है डेयर 8,000 रुपये kg चलता है, पर किलो 8,000 रुपये है हिरन का गोश्त मिलता है, सदर में मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी होता है हिरन का गोश्त, किसने खाया कभी आज तक, बहुत ज़्यादा लजीज, सबसे ज़्यादा खुशदायका जो गोश्त है ना पूरी दुनिया में तमाम ही तरह से, वो जो है वो हिरन का गोश्त है, तो बहुत महंगा मिलता है, जंगल में आपको ऐसे मिल जाएगी वो, आप तो शिकार कर लो, शिकार करके खा जाओ, कोई ज़रूरत ही नहीं है कि बंदा जाएगा दुकान में पैसा देगा खरीदेगा, गाय मिलनी है तो गाय जाओ मंडी में खरीद के लो, वहाँ जाओ ऐसे गाय घूम रही है किसी को पकड़ लो, ठीक है मेन तो खाने ही ना, इंसान कमाते ही खाने के लिए, खाना फ्री में मिल रहा, ठीक है बाकी थोड़ी ना कोई चीज़ चाहिए, तो जो इंसान भी मकसद को नज़रअंदाज करना चाहता है, ढूंढना चाहता है और चाहता है खुले आसमान के नीचे, सूरज के नीचे, खुले आसमान के नीचे रहे, तो उसको वो ढूंढे उस खाने को जो उसको खाना है और वो खाना मिल जाए तो खुश हो जाए उसको खा के, मतलब अगर आपको दिल कर रहा है यार आज चिकन, आज मुझे जो है वो भाई मटन खाना है, तो बस तीर कमान लेके निकल लो, जहाँ मिल जाए तीर मार दो उसको, खा लो, खा के खुश होकर सो जाओ, मतलब बहुत आसानी है,
दुनिया में तो जाओ, शहर में रहोगे तो अलग पंचायत है, स्कूल पढ़ो, कोचिंग पढ़ो, कॉलेज पढ़ो, यूनिवर्सिटी पढ़ो, डिग्री हासिल करो, एग्जाम दो, पेपर दो, होमवर्क करो, जंगल में टेंशन ही नहीं है। समझ आ रही बात मेरी? तो ये तंज किया जा रहा है, विलियम शेक्सपियर तंज कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं आप सबका, साथ में मेरा भी, क्योंकि मैं शहर में रहता हूँ। तो कहते तुम लोग जंगल में रहो ज़्यादा अच्छा है ना, कि जंगल में सब टेंशन ही नहीं, यहाँ आओ, यहाँ आकर देखो कि दुश्मन ही नहीं तुम्हारा सिवाय सर्दी और ख़राब मौसम के। सो दिस इज द पोम हेयर, विलियम शेक्सपियर इज डिस्क्राइबिंग दैट लिविंग इन अ जंगल इज मच बेटर देन लिविंग इन अ सिटी।